क्या आपके पास भी पैसा आते ही खर्च हो जाता है, चाहकर भी आप सेविंग नहीं कर पाते हो? तो बने रहिए इस वीडियो में। पैसों का सही इस्तेमाल किसी भी इंसान को गरीब से अमीर बना सकता है, और गलत इस्तेमाल अमीर इंसान को भी गरीब बना सकता है। इंसान कितना भी कमा ले पर पैसा कभी रुकता नहीं। आपके हाथ में पैसे आने से पहले ही उसके खर्चे तय हो जाते हैं। एक स्टेज के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ऐसे में आपको पैसों को सेव करना और उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। पैसों को सेव करना आसान काम नहीं है, आपको हर वक्त अपना मन मारना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़ें ना लेकर अपना दिल तोड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइफ में कभी भी मनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। नंबर वन है डबल अकाउंट। दोस्तों, अगर आपको अपनी सैलरी को आज के इस महंगाई के टाइम में सेव करनी है तो एटलीस्ट आपके पास दो सेविंग अकाउंट जरूर होने चाहिए। दूसरे सेविंग अकाउंट का ना तो ATM कार्ड होना चाहिए और ना ही डेबिट कार्ड होना चाहिए। सैलरी मिलते ही सबसे पहले आपको सैलरी का 10% हिस्सा इस सेविंग अकाउंट में जरूर डालें, और उन पैसों पर बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट भी देगा। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बाकी की 90% सैलरी आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। ज़रूरत है तो बस माइंड को सही से यूज़ करने की। दोस्तों, अगर आप उससे कम खर्च करें जितना आप कमाते हैं और अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें बड़ा बनने के लिए 3 रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट है ज़्यादा कमाना है, सेकंड है उसमें से ज़्यादा सेव करना है, और थर्ड है उस सेविंग को सही से इन्वेस्ट करना है और सही जगह इन्वेस्ट करना है। हम अमीर ज़्यादा बचाने से होते हैं, ना कि ज़्यादा कमाने से। भले ही आप अच्छे खासे पैसे कमाते हों, अगर आप उन पैसों को उड़ा देते हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और अपनी मुसीबत के टाइम में आप उस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकते। नंबर टू है खिलौनों को ना कहो। वॉरेन बफेट, जिन्हें मनी मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास मनी को अट्रैक्ट करने की खूबी है। वॉरेन बफेट का कहना है, जितने भी टॉयज हम खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर पैसों की बर्बादी ही करते हैं। वॉरेन बफेट अपने पैसों को लग्जरी कार, एक्सपेंसिव गैजेट्स, ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आप भी अपने खून पसीने की कमाई को फिजूल के टॉयज और शो ऑफ के गैजेट्स पर खर्च ना करें और अपने पैसों को सेव करें। पैसों की कमी का एक बड़ा कारण ये है कि अगर मैं वास्तुशास्त्र की बात करूं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो इंसान गंदे कपड़े पहनता है, अपने आप को साफ नहीं रखता है, ऐसे लोगों पर लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। जितनी हो सके उतनी गरीब लोगों की हेल्प जरूर करो। आपकी नीयत साफ होगी तो लाइफ में बरकत जरूर होगी, क्योंकि अगर नीयत अच्छी है तो ही हर चीज़ अच्छी होगी। नंबर थ्री है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर दो। सेविंग करने का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। बचपन से ही हम लोग अपने माँ पापा से ये सुनते आ रहे हैं कि पैसों को फिजूल वेस्ट मत करो, पैसों को बचाना सीखो। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर दो, और आप जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट कर दोगे आपकी आने वाली लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं हम अपने आने वाले टाइम में ज़्यादा पैसे बचा लेंगे, आपका ये सोचना बिल्कुल रॉन्ग है। तो आज से इस सेविंग स्टार्ट करना चालू कर दो। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने सैलरी का 10% हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए और अपने फैमिली के लिए सेव कर रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारी मनी सेविंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर फोर है डोंट अट्रैक्ट बाय वन गेट वन ऑफर्स। इस महंगाई के टाइम पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बाय वन गेट वन का ऑफर्स का लालच देकर आपको अपनी ओर खींचते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आपको उन प्रोडक्ट्स पर से अपना ध्यान हटाना है, आपको वही चीज़ें परचेज करनी है जिनकी आपको ज़रूरत है, ना कि वो बेकार की चीज़ें जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है।
आप सोचोगे कि इस पर बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है तो मैं इन चीज़ों को भी परचेज कर लेता हूँ, शायद टाइम निकल जाए। पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ओनली वही चीज़ें परचेज करनी है जिनकी आपको ज़रूरत है। नंबर 5 है, आप अपने आप को पैसा बचाने के लिए एक कारण दीजिए। अगर आप अपने माइंड को कोई गोल या कोई भी एक रीज़न सेट कर लेते हो कि हाँ मुझे अपने इस काम के लिए इतने पैसों की नीड है, तभी आप पैसों को सेव करना शुरू कर दोगे। कारण कोई भी हो, बट कारण जेन्युइन होना चाहिए ताकि आपको सेविंग क्यों करनी है कोई डाउट ना रहे। नंबर 6 है, पिगी बैंक सेविंग। अब आप कहोगे कि ये सब हम बचपन में किया करते थे। सेविंग का सबसे पहला रूल यही है, सेविंग कल से नहीं आज से स्टार्ट किया जाए, और अमाउंट छोटी हो या बड़ी उसे सेव करना चाहिए। जब भी आप शॉपिंग करके आते हो तो कुछ चेंज पैसे ज़रूर बच जाते हैं, आप उन चेंज पैसों को एक पिगी बैंक में डालते रहो, और हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उस पिगी बैंक में डालते रहो। धीरे धीरे आपकी वही छोटी सी अमाउंट साल के एंड में एक बड़ी अमाउंट के रूप में आपको मिलेगी, और आप इस अमाउंट को खर्च ना करें, आप इस अमाउंट को सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। क्योंकि आप अगर इस पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो बैंक आपको उन पैसों पर कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा, और जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके वो थोड़े से पैसे कुछ और बढ़ जाएंगे। नंबर 7 है, नोट डाउन। आप मंथ एंड में एक बार अपने खर्चों को नोट डाउन जरूर करें। इससे यह फायदा होगा कि जब आप अपने फिजूल के खर्चों के बारे में लिखोगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप अपनी मेहनत की कमाई को किस तरह बर्बाद कर रहे हो। मनी सेविंग का यह सबसे अच्छा पॉइंट है। नंबर 8 है, हमेशा डिस्काउंट मांगे। वॉरेन बफेट जब भी कुछ परचेज करते हैं तो उस चीज़ पर डिस्काउंट जरूर लेते हैं। उनका कहना है, अगर आप कुछ पैसे बचाते हो तो आप उतने पैसे कमाते भी हो। जब अमीर अमीर लोग डिस्काउंट मांगने में शर्म नहीं महसूस करते तो आप भी डिस्काउंट मांगने से पीछे ना हटें। जब भी शॉपिंग पर जाएं तो डिस्काउंट जरूर लें, और हो सके तो डिस्काउंट वाली चीज़ें ही परचेज करें। नंबर 9 है, बजट बनाया करो। आप अपने खर्चों का एक बजट जरूर रेडी करो कि आपको कितने पैसों की कहां कहां ज़रूरत पड़ती है, और आप उन पैसों को कहां ज़्यादा खर्च कर रहे हो। उस खर्च को आप कम करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपके पैसे सेव जरूर होंगे। नंबर 10 है, उधार पैसे मत लो। कई बार हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि हमें पैसों को उधार लेना ही पड़ता है, बट हो सके तो आप पैसे उन लोगों से उधार लो जो लोग आपको बिना इंटरेस्ट के पैसे दे सकें, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले लोग। क्योंकि अगर आप एक बार इंटरेस्ट पर पैसा लोगे तो आप उन पैसों को चुका नहीं पाओगे, और आप कर्ज जाल में फंसते चले जाओगे, और जब आप पर कर्जा बढ़ेगा तो आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो हो सके तो आप उधार ही मत लो, कोशिश करो आप अपने पैसों को बचाओ और उन पैसों में ही अपने सारे काम पूरे करो। और नंबर 11 है, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आज से ही छोड़ें। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आज के टाइम में इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी इन चीज़ों को यूज़ करने लग गए हैं। तो जहाँ तक हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आप जितना पैसा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में खर्च कर देते हो उतने पैसे अगर आप सेव करो तो आप देखोगे कि उन पैसों से आप कुछ अच्छी चीज़ें और महंगी चीज़ें परचेज कर सकते हो। क्योंकि साल में आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, तो हो सके तो इन बुरी आदत को छोड़ दीजिए और अपने पैसों को बचाइए। क्योंकि अगर आप आज से सेविंग स्टार्ट नहीं करोगे तो आपकी आने वाली लाइफ काफ़ी बेकार हो जाएगी, तो हो सके तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। नंबर 12 है, बिजली की बचत करें। अगर बिजली की बचत आप करना आप सीख गए तो आप अपने पैसों को बचाना सीख जाओगे। जितनी ज़्यादा बिजली की बचत करोगे उतने ही आपके पैसों की बचत होगी। आप एनर्जी बचाने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करें, जैसे बल्ब, CFL, LED लाइट यूज़ करें। जब बिजली की आवश्यकता ना हो तो लाइट्स ऑफ कर दें, TV भी बंद कर दें, और आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मेन स्विच बंद करके जाएं। मैं जितने भी टिप्स आपको बता रहा हूँ मैं जानता हूँ काफ़ी मुश्किल हैं, पर नामुमकिन नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि साल के आखिर में और नए साल की शुरुआत में आपकी खुशियाँ पहले से थोड़ी बढ़ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।